साहित्य लहर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मालती जोशी जी की कहानी बिना छत वाला घर लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आइए अब कहानी सुनते हैं। सुबह सुबह किचन में खटर पटर सुनकर मैं कमरे से बाहर आई, देखा सौम्या कैस के पास खड़ी है। इतनी सुबह किचन में क्या कर रही हो? चाय बना रही हूं। तो मुझे आवाज दे देती ना, मुझे लगा रात इतनी देर से सोए हो तुम लोग, देर से ही उठोगे इसलिए मैं भी लेटी रही। इन्हें ना सुबह 6 बजे चाय पीने की आदत है, छुट्टी के दिन भी। हाँ, मन हुआ तो चाय पीकर फिर से सो जाएंगे। अच्छा मम्मा, आपकी भी बना दी है, ब्रश करके ले लेना। कहते हुए वह ट्रे में दोनों कप लेकर ऊपर चली गई। मुझे इतना ताव हो रहा था, मान लो रोज की आदत है भी तो क्या एक दिन इस आदत को बदला नहीं जा सकता? आधी रात को सोई लड़की को अल्लाह सुबह जगा दिया। पगफेरे के बाद पहली बार आई है सौम्या, वह भी कॉलेज के एलुमिनी के लिए। दोनों साथ ही पढ़े हैं इसलिए समीर भी आया है। कल सुबह की फ्लाइट से दोनों आए थे, आते ही नहा धोकर निकल गए थे जो शाम को लौटे थे, फिर तैयार होकर जो गए तो आधी रात को लौटे थे। माँ के पास इत्मीनान से 5 मिनट बैठने का भी बेटी के पास समय नहीं है। लोग ठीक ही कहते हैं, शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है। 9:30 बजे वह नहा धोकर जूठे कप प्लेट लेकर नीचे उतरी। पार्वती करेले छील रही थी, हाथ बढ़ाकर उसने पहले तो ट्रे ले ली, फिर सौम्या को गले से लगाकर खूब प्यार किया। कल की आई हो बिटिया और हमें आज दर्शन मिल रहे हैं, उसने शिकायत की। हमें भी सिर्फ दर्शन ही मिले हैं पार्वती, कसम है जो 5 मिनट पास बैठकर बात की हो, मैंने कहा। हम दोनों की शिकायतों को नजरअंदाज करके उसने कहा, मम्मी घर में कोई और सब्जी होगी? दम आलू भी बना रही हूँ, तुम्हें भरवा करेले पसंद है ना, इसलिए परसों से लेकर रख लिए थे, पर कल तुम लोगों का दोनों वक्त का खाना बाहर ही था इसलिए आज बना रही हूँ। ये ना करेले बिल्कुल नहीं खाते, और कोई सब्जी हो तो देखती हूँ, कहकर वह फ्रिज खंगालने लगी। फिर 4-5 बैंगन पार्वती को पकड़ाते हुए बोली, काकी थोड़ा मसाला बचा लेना और इनमें भर देना, पर मिर्ची बहुत तेज तो नहीं है ना, ये ना तीखा जरा कम खाते हैं। पार्वती बिटिया कितना बदल गई है देखा, कहाँ समीर समीर की रट लगाए रहती थी और अब इन्हें उन्हें ये वो। अम्मा जी कहती हैं बड़ों के सामने नाम नहीं लेना चाहिए, सौम्या ने कहा। ठीक ही तो कहती है वह, और तुम भी बेटा ठीक ही कर रही हो, दिन भर जाप करना कोई अच्छा थोड़ी ही लगता है, आजकल यही रिवाज चल रहा है। वह 15 नंबर वाली मेम साहब तो साहब को बबलू कहकर पुकारती है, शुरू में तो मैं समझी थी कि वह बेटे को बुला रही है, अरे नाम ही लेना है तो ढंग से तो लो। मुझे जिस बात से चिढ़ हो रही थी पार्वती उसी की तारीफ कर रही थी। शादी को मुश्किल से साल भर हुआ है और सौम्या कितनी बदल गई है, अम्मा जी की बात उसके लिए अब वेद वाक्य बन गई है। मुझे बेवजह गुस्सा आने लगा। दोपहर भोजन के समय मैंने समीर से कहा, आज तो खाना मैंने अपने मन से बना लिया, पर शाम को क्या खाएंगे बताओ, वही बनाऊंगी, छोले पूरी, पाव भाजी, आलू पराठा, खीर पूरी, मेथी पूरी। मम्मी जी, उसने मेरी बात को काट कर कहा, शाम को तो हम लोग बुआ जी के यहाँ जा रहे हैं। कौन बुआ जी? बाबूजी के दूर की रिश्ते की बहन है, या हॉस्टल में था ना तो अक्सर छुट्टी के दिन उनके यहाँ चला जाता था, इस बार भी मिलने जाने का प्लान है, पर उनका आदेश हुआ कि खाना यही खाओगे, उस आदेश को टाला नहीं जा सकता था, नहीं तो कहेंगे लड़का शादी के बाद बदल गया है। अरे तुम लोग क्या सिर्फ नाम करने मेरे यहाँ आए हो, मेरे हिस्से तो आते ही नहीं हो? मम्मी जी, कल का पूरा दिन आपके नाम है, सुबह हम लोग कहीं घूमने जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, पिक्चर जाएंगे और बाहर ही कहीं खाना खाएंगे। बाहर क्यों? घर लौटकर कब खाना बनाएंगी, एक दिन तफरी ही सही। और कल की पूरी शाम आपकी बेटी आपके नाम, मतलब कल हमारी बैचलर पार्टी है, हम लोगों में से आधे अभी कुंवारे हैं इसलिए कल की पार्टी सिर्फ मर्दों की होगी, साफ हिदायत है कि कोई अपनी बीवी को साथ नहीं लाएगा,
इसलिए कल की पूरी शाम आपकी बेटी आपके पास रहेगी। जी भर कर बातें कीजिए, मेरी शिकायतें सुनाएगी, क्योंकि उसके बाद समय ही कहाँ है। परसों सुबह तो हमारी फ्लाइट है। शाम को सौम्या जब तैयार होकर नीचे उतरी तो मैं देखती रह गई। तुम डिनर पर जा रही हो या किसी शादी में जा रही हो? शादी के बाद पहली बार जा रही हूँ ना, तो इन्होंने कहा था कि ट्रेडिशनल ड्रेसअप होकर चलना। ये साड़ी गहने सब लेकर आई थी? हाँ, एक बार तो जाना ही था, चाहे मिलने ही जाती। वैसे भी दुपट्टे से सर ढकने में प्रॉब्लम होती है, बार बार सरक जाता है, साड़ी ठीक रहती है। वहाँ सर ढकोगी? मम्मी, वहाँ मेरी बुआ सास है, उनका मान तो रखना ही पड़ेगा ना। तो अम्मा जी के यहाँ तो घूंघट ही निकालना पड़ता होगा। उसी समय समीर नीचे आए और मेरा प्रश्न अनुत्तरित रह गया। समीर भी सिल्क का कुर्ता पजामा पहने था, दोनों एकदम दुल्हा दुल्हन लग रहे थे। दूसरे दिन हमने खूब मटर गश्ती की। सुबह उठकर डैम पर घूमने गए, वहीं एक टपरी पर चाय पी, पकौड़े खाए, फिर शहर के बाहर बने मॉल में खूब शॉपिंग की। वैसे मैंने विदाई की पूरी तैयारी कर ली थी, फिर भी दोनों के पसंद का कुछ सामान ले लिया। समीर की इच्छा थी पिक्चर देखने की, पर मैंने मना कर दिया। 2.5 घंटे सिनेमा हॉल में कुमसुम बैठने से अच्छा था साथ बैठकर कुछ बातें कर ले। फिर हम लोगों ने फूड कोर्ट में खाना खाया और करीब 3 बजे घर लौट आए। घर लौटकर एहसास हुआ कि हम मन से चाहे कितने युवा बने रहे, शरीर अपनी बात कहता है। घर आकर मैं जो लेटी तो उठने का मन ही नहीं हुआ। 6 बजे सौम्या चाय लेकर आई, तब भी मेरी आंखें बंद हुई जा रही थी, पर अब सोना संभव नहीं था। पार्वती सिर पर खड़ी थी, खाना तो बनवाना ही था। सौम्या के साथ देने के लिए लड्डू और मठरी भी बनवानी थी। समीर 7 बजे पार्टी के लिए निकल गया। 8:30 बजे मैंने और सौम्या ने खाना खा लिया। सौम्या बोली, मामा मैं यहीं आपके पास लेटी हूँ, ये आएंगे तो मैं दरवाज़ा खोल दूंगी, आप मत उठना। पिछले 2 दिनों से हम लोग आपकी नींद खराब कर रहे हैं। इसके लिए इतना क्यों सोच रही हो? अकेली होती हूँ तो सोती ही रहती हूँ ना। कोई सीरियल वगैरह देखना हो तो देख लो, मेरा तो आजकल सब छूट गया है। घर में कोई नहीं होता तब टीवी कंपनी देता है, पर अब तुम सामने बैठी हो तो मैं वह नकली दुनिया क्यों देखूं? कुछ देर हम दोनों के बीच मौन पसरा रहा। फिर मैंने पूछा, समीर लोगों की पार्टी में पीना पिलाना भी होता होगा ना? शायद, समीर पीता है? मेरा प्रश्न उसने जैसे सुना ही नहीं। बोली, मम्मा हमारी दीदी के क्या हाल है? बहुत दिनों से कोई खबर ही नहीं आई। मैं फ़ोन करती हूँ तो डांट देती है कि मत किया करो, वहाँ से करने में बहुत पैसे लगते हैं, पर खुद कभी करती ही नहीं। मुझे तो कब से उसकी शादी की खबर का इंतज़ार है, हर बार आशा बनती है, फिर पता चलता है वह एपिसोड ख़त्म हो गया। प्रिया शायद बदला लेना पर तुली है, यहाँ उसे जितने लोगों ने नकार दिया लगता है उतने ही लोगों को वह नकार गई है। पर यहाँ जो भी नकार मिली वे दीदी के लिए नहीं थे, उन्हें तो कोई देखने ही नहीं आया था। मालूम है वे सारे नकार मेरे लिए थे। इस देश की ट्रेजिडी है, अगर कोई विधवा अपने बलबूते पर बच्चों को बड़ा करती है तो प्रशंसा की झड़ी लग जाती है, लोग संवेदना से भीग जाते हैं। पर यही कमाल जब एक तलाकशुदा महिला करती है तो उसे तिरस्कार मिलता है, उसके बच्चों को भी हिकारत से देखा जाता है। आपकी इस बात से एक प्रसंग याद आ गया। कौन सा? दीदी के लिए वर खोजने का काम आपने मौसा जी को सौंप रखा था ना? और किसे सौंपती, तुम्हारे मामा लोगों ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे। मैं तब शायद हायर सेकेंडरी में थी। एक दिन मौसा जी तनतनाते हुए घर में दाखिल हुए थे। बोले, जहाँ जाता हूँ वहाँ तुम्हारी कीर्ति पहले ही पहुँच चुकी होती है, कोई लड़की देखने तक को राजी नहीं होता, हर जगह से जलील होकर लौटता हूँ। दीदी अपने कमरे में थी, तनकर सामने आकर खड़ी हो गई। बोली, मौसा जी आपको कसम है जो आज के बाद आप मेरे लिए किसी के दरवाजे गए, मैंने शादी ना करने का फैसला कर लिया है, इस देश में तो नहीं ही करूँगी। 2-3 महीने में मैं मास्टर करने के लिए US जा रही हूँ, अगर कोई ढंग का आदमी मिला तो वहीं शादी कर लूँगी, कम से कम वहाँ वाले लोगों को मेरी माँ के तलाकशुदा होने से कोई एतराज़ तो ना होगा।
फिर मौसा जी बोले थे, वाह क्या बात है, जैसी खुद हो वैसी ही संस्कार बेटी को दिए हैं। मुझे सब याद आ गया। उस दिन के बाद जीजा जी ने मुझसे बात ही नहीं की थी। उस दिन मौसा जी ने इतनी बड़ी बात कह दी और तुम चुप रह गई, यह अच्छा नहीं लगा। उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना था जैसे दीदी ने दिया था। चुप बनी रही मैं, क्या करती। दुनिया में मैं किसी को भी जवाब दे सकती हूँ, पर दीदी जीजा जी को नहीं। इन लोगों के अमित उपकार है मुझ पर। जब हर किसी ने साथ छोड़ दिया था, ये मेरे साथ रहे थे। अगर इन लोगों ने सहारा ना दिया होता तो पता नहीं हम लोग आज कहाँ होते, होते भी कि नहीं। मम्मा, बहुत छोटी थी मैं उस समय, हायर सेकेंडरी की छात्रा थी, पर यह प्रसंग जैसे मेरे मन में घर कर गया था। उस दिन से मन में एक डर सा बैठ गया था कि जब मेरी शादी की उम्र होगी, हम लोगों को फिर से इन्हीं सब बातों से गुजरना पड़ेगा। इसलिए जब समीर ने मुझे प्रपोज किया तो मैंने एकदम हाँ कर दी। वह मुझे अच्छा लगता था, पर मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। मुझे उसके परिवार के बारे में, उसके आचार विचार के बारे में, आर्थिक आधार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मन में बस एक ही बात थी कि आज इस व्यक्ति ने मुझे शादी के लिए पूछा है, फिर ऐसा संयोग बने ना बने। मैं तो तुम्हें प्रिया की तरह आगे की पढ़ाई के लिए बाहर भेजना चाहती थी, पर तुम्हें तो शादी करनी थी। वह तो अच्छा हुआ समीर सजातीय ही था, नहीं तो उसके माँ बाप राजी थोड़ी ही होते। मुझे तो आश्चर्य है कि मेरा तलाकशुदा होना भी तुम्हारी शादी के आड़े नहीं आया। बाबूजी थोड़े नाराज थे, पर अम्मा जी ने बहुत जतन करके उन्हें मना लिया था। वे अपने इकलौते बेटे की खुशियाँ छीनना नहीं चाहती थी। दोनों बहनों ने इनकी खूब वकालत की थी, बाबूजी को राजी किया था। हाँ, अम्मा जी ने इतना ज़रूर कहा था कि अड़ोस पड़ोस में इतना मिलना जुलना कभी हुआ नहीं कि इतना बड़ा झूठ बोलना पड़े। मम्मा, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा ना? किस बात का? यही कि अम्मा जी ने ऐसा कहा। नहीं, उसमें बुरा लगने जैसा क्या है? जिस व्यक्ति का अस्तित्व तुम्हारे लिए कभी था ही नहीं, उसका होना क्या और ना होना क्या? मम्मा, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? बोलो। मम्मा, आपने हमें वह सब कुछ दिया है जो माता पिता अपने बच्चों को देते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों मन का एक कोना सुना ही बना रहा। अपनी सहेलियों के सामने मैं अक्सर हीन बोध से ग्रस्त हो जाती थी। वे लोग बात बात पर पापा का जिक्र ले आती थी। यार, आज तो पापा की डांट पड़ना निश्चित है, एक बार पापा से पूछना पड़ेगा। इस सर की शिकायत तो मुझे पापा से करनी है। आज तो मार्कशीट दिखाकर पापा से गिफ्ट लेना है। इस तरह की बातें सुनकर मुझे अपना वजूद बड़ा दीनहीन सा लगता। मेरे कॉलेज में एक सहेली थी, शालिनी, याद है? उसके पिता नहीं थे, उनकी एक बड़ी सी फोटो ड्राइंग रूम में लगी रहती। वह कहती, हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि पापा नहीं है, हमें तो लगता है कि वह हमें देख रहे हैं। मैं अपने सारे प्रॉब्लम्स उनसे डिस्कस करती हूँ और उनका हल भी मिलता है। कभी लौटने में देर हो जाती है तो फोटो के सामने निकलते हुए लगता है कि कहीं डांट ना पड़ जाए। यह सब सुनकर आश्चर्य भी होता था और ईर्ष्या भी होती थी। तब मम्मी पर क्रोध भी आता होगा। नहीं मम्मा, मैंने तुम्हें कभी कटघरे में खड़ा नहीं किया। मैं जानती हूँ कि औरत अपनी खुशी से घर नहीं छोड़ती, वह आखिरी क्षण तक उसे बचाने की कोशिश करती है, पर कभी कभी मजबूर हो जाती है। थैंक यू बेटा, मुझे क्लीन चिट देने के लिए, एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग योर फीलिंग्स विथ मी। अभी आपने कहा था ना मम्मा कि मैं शादी के लिए उतावली हो रही थी। यह सच है मम्मा, शादी के बहाने मैं एक मुकम्मल घर के लिए उतावली हो रही थी। मुझे ऐसे घर की तलाश थी जहाँ प्यार करने वाली पर समय समय पर डांटने वाली माँ हो, खूब लाड़ करने वाले पिता हो, पर उनके कड़े अनुशासन का मन में एक डर हो। सहेलियों की बातें सुन सुनकर, अपने आसपास देखकर मेरे मन में एक कल्पना उभरती थी। मुझे लगता था घर माँ की तरह होता है जो अपने में सब कुछ समेट लेता है, और पिता छत की तरह होते हैं जो आंधी पानी सर्दी गर्मी से घर की रक्षा करते हैं। मुझे कभी कभी लगता था
कि हम ऐसे घर में रहते हैं जिसकी छत उड़ गई हो और हम खुले में पड़े हैं। सॉरी मम्मा। सॉरी किस लिए? मैं और कुछ भी कहना चाहती थी कि उसका मोबाइल बज उठा। सौम्या फुर्ती से उठकर दरवाजे की ओर चली गई। मेरी नींद में खलल ना पड़े इसलिए समीर ने उसे मिस कॉल दिया था। उसकी इस समझदारी पर मुझे प्यार आ गया। वे दोनों सोने चले गए। मुझे लेकिन देर रात तक नींद नहीं आई। बार बार यही सोचती रही, कहीं मैंने अपनी बेटी के साथ अन्याय तो नहीं किया। सौम्या कह रही थी कि औरत अपनी खुशी से घर नहीं छोड़ती है। मैंने 2 बार घर छोड़ा था। दोनों ही बार स्थिति असहनीय हो गई थी। पहली बार घर छोड़ा तब प्रिया 5 साल की थी। उससे लेकर मायके पहुंच गई थी और जाती भी कहाँ। ऐसी परिस्थिति में स्वागत की आशा करना व्यर्थ था। उन लोगों ने घर में ले लिया, यही बहुत था। 4-5 महीने सब कुछ ठीक चलता रहा। फिर धीरे धीरे सबके चेहरों पर ऊब, खीज और बेजारी नजर आने लगी। माँ बाप मेरी चिंता में डूबे जा रहे थे। और फिर एक दिन बाबा का हृदयघात से निधन हो गया। तब मुझे घर आए 1.5 साल हो चला था। माँ का आक्रोश सांत्वना से परे था। वे विलाप के बीच कहती जा रही थी, इसकी चिंता उन्हें खा गई, नहीं तो इतनी जल्दी वे मरने वाले नहीं थे। बाबा की मृत्यु के बाद घर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा। जो अब तक आंखों में था वह होठों पर भी आने लगा। चुपचाप सुनने के सिवाय मेरे पास और कोई चारा नहीं था। 2 महीने बाद माँ के साथ लेवा लाने को दीदी फिर आई। उन्होंने सब देखा और कहा, अपमान ही सहना है तो अपने घर में सहो, इनके दरवाजे क्यों पड़ी हो? इस छोटी सी बच्ची के मन क्या असर होता होगा यह सोचा? दीदी केवल कहकर ही नहीं रुकी, उन्होंने मध्यस्तर करके हमारी सुलह करा दी। 1.5-2 साल जैसे तैसे बीत गए और सौम्या का जन्म हुआ। दूसरी बेटी को जन्म देना मेरा घोर अपराध था जो क्षमा नहीं किया जा सकता था। कभी कभी लगता कि बेटी का तो बहाना था, असली रंजिश कुछ और ही रही होगी। स्थितियां अब असहनीय हो गई तो मैंने दीदी को लिखा, तुम ही मुझे इस नरक में पटक गई थी, तुम ही बाहर निकालोगी। दोबारा माँ के यहाँ जाने की हिम्मत नहीं है। तुमने मदद नहीं की तो दोनों लड़कियों को लेकर मैं किसी कुएं तालाब में छलांग लगा दूंगी। दोनों मियाँ बीवी भागे भागे आए और हम तीनों को अपने घर ले गए। 3-4 साल तक मैं वहीं रही। वहीं मैंने अपना BEd पूरा किया, MA फाइनल किया। तलाक की प्रक्रिया भी वहीं पूर्ण हुई। छोटी मोटी नौकरी लगते ही अपना अलग घर बना लिया। डरते डरते माँ को बुलावा भेजा। उन्होंने ज़रा भी ना नुकुर नहीं की और मेरे पास चली आई और अंत तक यहीं बनी रही। इससे साफ जाहिर था कि घर का वातावरण कितना विषाक्त हो गया था। बच्चे और घर माँ को सौंप कर मैं निश्चिंत हो गई। फिर नौकरी के साथ साथ PhD भी करती रही। धीरे धीरे मैंने अपना एक मुकाम हासिल कर लिया, बेटियों को भी लायक बना दिया। उनके लालन पालन में मैंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्हें वह सब कुछ दिया जो मध्यम वर्गीय माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं। पर सौम्या कहती है कि उसके मन का एक कोना खाली रह गया। वह जिस तरह से पति की सेवा में जुटी हुई है, जिस तरह से ससुराल वालों के प्रति विनम्र हुई जा रही है, लगता है जो खो गया है उसे दूसरी तरह से प्राप्त करना चाहती है। कल तो मेरे प्रति भी इतनी विनम्र हो रही थी, बार बार आप कहे जा रही थी, इतना अजीब लग रहा था। सुबह दोनों जब तैयार होकर नीचे उतरे तो मैं सौम्या को देखती रह गई। नेवी ब्लू स्कर्ट और सफ़ेद टॉप में वह एकदम गुड़िया सी लग रही थी। हाय, कितनी प्यारी ड्रेस है, अच्छी है ना? पिछले महीने ये जर्मनी गए थे, वहाँ से लाए थे। मैं तो डर रही थी तुम पता नहीं क्या कहोगी। इतनी दकियानूसी हूँ क्या मैं? अच्छा अब यह बताओ, तुम्हारा टीका करूँ कि नहीं? इस ड्रेस के साथ अजीब तो नहीं लगेगा? मम्मा, ड्रेस अपनी जगह है और संस्कार अपनी जगह। ड्रेस के लिए हम अपनी परंपराएं थोड़ी ही छोड़ देंगे। पर यह बताओ, तुम सुबह सुबह तैयार होकर क्यों बैठी हो? तुम एयरपोर्ट नहीं आओगी, फिर लौटते समय तुम्हें उदास लगेगा। सौम्या ठीक कह रही है मम्मी जी, वहाँ भी तो बाहर से ही टाटा करना होता है, आप यहीं से कर दीजिए। मुझे बस
उन लोगों के साथ थोड़ा समय और बिताने का लालच था, पर मैंने जिद नहीं की। दोनों का टीका किया, समीर ने पैर छुए, मैंने उसके सर पर हाथ रखकर आयुष्मान होने का आशीर्वाद दिया, फिर सौम्या को गले लगाकर मन ही मन आशीर्वाद दिया, ईश्वर तुम्हारे घर की छत सदा सलामत रखे। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी बिना छत वाला घर। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।